क्यों तेरा फोटो लिया? अच्छा रो क्यों रहा है ये तो बता। क्यों रो रहा है बीबी? ये कौन सी मूवी देख के रोया तू? नाक लाल हो गया तेरा पता रो गया। ये कबीर सिंह मूवी देख के रोई है, कबीर सिंह। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 11:30 मतलब बजने वाले हैं सुनेंगे। और अंकिता अभी देख रो रही है। एक्चुअली मैं देख रहा था पिंकी और संदीप फरार और अंकिता देख रही थी कबीर सिंह और कबीर सिंह इसको इमोशन लगी और रोने लग गई है। मेरा छोटू रो रहा है। ओए छोटू, ओए छोटू अभी भी कबीर सिंह देख रहा है। अब तो रोना रोक ले। सुजेड़े मुंह का हो रहा है तो फिर भी देखे जा रहा है कबीर सिंह। हे गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं 7:30। कल के जो वीडियो थे, कल के परसों के दो दिन हम पीछे चल रहे हैं व्लॉग्स में, तो वो सारे वीडियो हो गए करप। अंकिता के मोबाइल से ज्यादा शूट किया था तो पता नहीं क्यों, लेकिन उसके बाद से जो भी शूट किया था सारी वीडियोस करप्ट हो गई। और उसके अलावा कल मैंने वैक्सीनेशन करवाया था हमारी ऑफिस की तरफ से, तो वैक्सीन ने अपना असर दिखाना चालू कर दिया है। कल कंधे में थोड़ा दर्द था, मतलब लेफ्ट वाले कंधे में यहाँ लगवाया था, कल कंधे में थोड़ा दर्द था और अब फीवर आ चुका है, बॉडी पेन है बस अभी तो ये, और गर्मी बहुत लग रही है, पसीना वसीना आ रहा है, पता नहीं दिस इज अदर थिंग और नॉट। वैसे एक बात अच्छी भी हुई कि पुरानी वीडियोस करप्ट हो गई हैं तो अब जो नई वीडियोस बनेंगी वो सही काम में आ जाएंगी, टाइम पे ब्लॉग अपलोड हो जाएगा रेगुलर। और अभी पानी वाला आया था, मैं नीचे से पानी लेके आया, मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मेरी कंडीशन ठीक है, अभी इतना फीवर इतना वो नहीं है, तो मैं पानी ऊपर नीचे से ऊपर ले आता हूँ। नीचे दो कैन पड़ी थी पानी की, दोनों में ऊपर लेके आया मैं, कैन ऊपर बड़ी मुश्किल से लेके आया, मतलब मेरे हाथ इतने दर्द कर रहे थे पूरा शरीर बोल गया, मतलब कैन को ऊपर लाने लाने में। और ये ऐसा नहीं है कि मेरे लिए हैवी चीज़ है, 40 किलो इज टू लाइट फॉर मी, बट आज तो जान ले ली। आज इसी चीज़ को माइंड करते हुए मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया और अब मॉर्निंग का शेड्यूल चालू करते हैं, क्योंकि 8:30 मुझे वैसे भी ऑफिस ज्वाइन करना पड़ता है। आज थोड़ा लेट कर लेंगे लेकिन अब ये तेरा वो मेरे। गुड मॉर्निंग छोटू, अकेले अकेले खा लो तुम सारा, चढ़ जाओ पूरा घर। क्या होता है उससे? खाली पेट जो भी हम खाते हैं उसको कंप्लीट अब्सॉर्प्शन करती है बॉडी, क्योंकि बॉडी फास्टिंग स्टेज में होते हैं नींद में। तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ड्राई फ्रूट्स में, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या बात है? प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, बहुत सारे विटामिंस, उनका फुल्ली अब्सॉर्प्शन बॉडी करती है, जो कि इसलिए कहते हैं कि इनको खाने का बेस्ट टाइमिंग होता है खाली पेट सुबह उठते ही। आदमी घर पे तो औरत उसका पूरा फायदा उठाती है। अभी मुझे गैस सेटअप करके देना है छोटू को। भाई किचन के काम तुम करा करो, ये मेरे पास कब सन लग गए? गैस मुझे लगाना नहीं आता ना यार। अच्छा, मुझे डर लगता है गैस में, मुझको हैंडल। कल ही औरत मेरे को धमका रही थी अगर मैं गैस सेटअप करके नहीं गया रात को ऑफिस, मतलब कल रात की बात है कि रात को मैंने सेट नहीं किया और सुबह ऑफिस चला गया बिना किए, तो ये खुद करेंगे है ना, ये मुझे धमका रही है। और वैसे मैं बात में धमक क्यों रहा था मेरे को ये नहीं पता, करना है कर लो, पर ठीक है मैं थोड़ा डर गया था, मैंने बोला ठीक है मैं सुबह कर दूंगा, फिर सुबह हालत खराब हो गई। अभी भी थोड़ी बुखार है, बॉडी पेन वैसा का वैसा है, लेकिन मैं ये करवा देता हूँ ताकि अब नई चीज आई है उसको यूटिलाइज तो करें हम लोग। ऐसे निकालना बहुत मुश्किल होता है लेकिन गिल्ला करने से लूज होता है ये। एक्चुअली मेरे को पता नहीं था, कल जब नए का ये पाइप लगा तब उसकी मैनुअल में पड़ा था छोटू ने। अल्ले को नहीं तो अल्ले बन गए, और फ्लेम वाला तरीका अपना रहे तो लूज हो गया। एक्चुअली ये रेगुलेटर गैस से हटा रखा है, क्योंकि ये रेगुलेटर है गैस में नहीं है, तो ये हटा रखा है तो अभी फ्लेम होने के चांसेस नहीं है। पहले वाला अटेम्प्ट पूरी तरीके से फेल हो गया, अभी ये करके देखते हैं। नाक से ये पूरा नालिया लड़का सीन है, कहना तो नहीं चाहता लेकिन ये छोटू लगा हुआ है, इसने मेरे को करने नहीं दिया, अकेली लग रही है, पहले मैंने खींचा उससे नहीं हुआ, अब ये इसको लगातार खींचे जा रही है, इसमें ना दम की बजाय ट्रिक चल रही है और ये ट्रिक से ही हो रहा है। बेबी इसकी अगर चूड़ियां टूट गई तो ट्रिक हो जाएगी, नया लेना पड़ेगा रेगुलेटर। मैं दम लगा ही नहीं रही इस पे रेगुलेटर पे। पता है मेरे पापा के साथ मैंने ये, मेरे पापा जब भी कुछ भी करते थे ना इस तरह का काम, बिजली का कुछ भी, घर में कुछ भी होता था, तो घर की सबसे बड़ी मेंबर मैं हूँ, बच्चों में मेंबर तो नहीं, सब बच्चों में सबसे बड़ी थी, तो मेरे को पिसा जाता था, पापा मेरे को उठा के कभी ऊपर चढ़ा देते थे, ये करके, तो मेरे को ट्रिक्स पता है, ये तो मेरे दम नहीं है जाता, बाकी
तोड़-फोड़ मचा सकती हूँ मैं। फाइनली हो चुका है, निकल गया। इसमें मेहनत मेरी है, छोटू की भी है, हम दोनों की है, तो क्रेडिट सारा जाता है मुझे, क्योंकि लास्ट में मैंने खींच के लगाया। पसीने आपने बहाए, ट्रिक मैंने लगाई। बोलो जय श्री गणेश जी की जय। अब नाश्ता और चाय साथ में बनेंगे। ये छोटू सिंह तो आज कमाल ही कर रहा है। ये है शूज स्टैंड जो मैंने आपको बताया था, ये छोटू ने अकेले ने इतना रेडी कर लिया है। वैसे ये सबसे नीचे वाले पार्ट में कपड़ा लगाना भूल गई है, ये शायद वहाँ नहीं आएगा। हाँ चौपर वो आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा इसने कर लिया है, इसी पे मैं तेरे को 2-4 रुपये इनाम के दे दूंगा। खुश छोटू अभी बाहर गया हुआ है, अभी वो झाड़ू लगा रहा था और जैसे वो अंदर आएगा गेट से तो मैं उसे डराने की कोशिश करूँगा। ये कैमरे में कैद नहीं हो पाया। डरा अच्छा ना तू? बोल मैं सक्सेसफुल हुआ। बोल बोल। ये पैर घूम रहा है ना तू लड्डू? ये देखो ये औरत। पैर दबाऊंगी। मैंने अभी वीडियो में लिया था, मैंने नंगे पैर इसलिए किए कि तुम्हें डराने के लिए मैं आवाज नहीं कर सकता था, चप्पल की लपड़ लपड़ आवाज होती है। हम लोग जा रहे हैं नर्सरी, कुछ सब्जियां हमें उगानी है ना मोटू। हम लोग नर्सरी जा रहे हैं पोट लेने के लिए, बड़े बड़े पोट, बड़े बड़े जिनके अंदर हम सब्जियां उगाएंगे। हाँ सारा मार्केट अभी ओपन हो चुका है, लगभग 3 बज रहे हैं अभी। इस दुकान की हिस्ट्री बताओ, मतलब ये बताऊंगा नहीं किस जगह पर्टिकुलरली, तो इस दुकान की हिस्ट्री बताता हूँ। मेरा कैफे खुला था, उससे पहले इसमें कोई कैफे था और वो बंद हुआ, फिर एक और खुला, एक और बंद हुआ, एक और खुला, एक और बंद हुआ। इसमें ऐसे चलता जा रहा है और हर बार से बड़े से बड़ा ब्रांड आता है और वो ब्रांड उठ भी जाता है फटाफट। ये दुकान शायद मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अच्छी दुकान है। वेजिटेबल्स एंड सीजनल फ्लावर्स अवेलेबल। फोन में बैटरी कम है तो व्लॉग अच्छे से हो नहीं पाएगा, केवल 5% है, 5% में देखते हैं कितना क्या हो पाता है। इतनी महंगी भाई, तू महंगा बहुत लगा रहा है यार, बहुत महंगा लग रहा है। फिर हम लोगों ने ये कितने हैं, ये 3, 4, 5 पौधे लिए। सो अभी हम लोग जा रहे हैं मिट्टी वाले पोर्ट लेने, क्योंकि प्लास्टिक वाले पोर्ट बहुत महंगे हो गए, उन पर GST लगने लग गए। सो अभी हम लोग आ चुके हैं नेशनल हैंडलूम और अभी मेरी तबीयत पहले से बहुत बेटर है, केवल पसीना बह रहा है क्योंकि धूप है। वो दिन में भी बह रहा था क्योंकि AC नहीं चला रखा था, बाकी मैं बीमार भी हूँ उसके लिए भी बह रहा है। और अभी हम लोग आ चुके हैं नेशनल हैंडलूम और ये औरत बड़ी जुलमी है, मतलब मैं बीमार हूँ तो इसने मुझसे सारी घर की सफाई कराई, उसके बाद मुझसे पोछा लगवाया, उसके बाद चल झूठा अब आप व्लॉग में देख ही लोगे कहाँ दिक्कत आ रही है, कितना ही ना करते रहो। और अभी पौधे भी उठा के मैंने गाड़ी में रखे हैं, अभी सामान लेगी वो भी मैं रखूंगा। मतलब ये औरतों का एक चीज होती है, रुक सुनो पूरा, औरतों की एक चीज होती है, अगर आदमी उनको घर पे दिख जाए तो उनको उसे परेशान करना ही करना है, काम में लेना ही लेना है, उनकी जान खानी। सो गाइस आज की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, आज हुआ क्या। हम लोग मार्केट गए थे सामान वामान लेने के लिए अंकिता के साथ, वो मैंने आपको बताया था औरत को हजम नहीं होता, उसका पति फ्री हो घर पे हो भले ही बीमार हो कैसे भी हो पर ठाला उसको हजम नहीं होता। तो मैं घर पे था, अंकिता मुझे मार्केट ले गई और मार्केट से आने के बाद मुझे आ गया फीवर और बॉडी पेन तो जबरदस्त। उसके बाद लगभग 3 घंटे या 4 घंटे मैं बेड में पड़ा था और अब हालत मेरी ठीक है। वैक्सीन लगवाने के बाद ये मतलब लगातार कभी बुखार आना बुखार जाना ये चल रहा है, लेकिन मैंने पता किया है, मेरे पापा ने वैक्सीन लगवा चुके हैं, उनको भी ऐसे हुआ था, फीवर आया था, मेरी मम्मी को नहीं आया था। अंकिता डॉक्टर है, इसने बताया कि ऐसा होता रहता है वैक्सीनेशन में, और इसके जो फ्रेंड्स हैं जो MBBS डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी यही बताया कि इट्स नथिंग टू वरी, ऐसा होता है। पौधे हम लोग लेके आए थे वो मैं बालकनी में कल सुबह रख दूंगा, फिर छोटू उनको सेट कर देगा। बालकनी में रख के भी आ गया
अंदर वो है ना इतना गर्म है कि मुझे उन पर दया है क्योंकि उनमें भी लाइफ है ना, तो मैं उनको बाहर बाल नहीं, मेरा कहती बाल नहीं थोड़ी है, थोड़ा पानी भी डाल के। आज डिनर में सही मायने में बनी है खिचड़ी, ऐसी पकी हुई होनी चाहिए ना लड्डू। हाँ, उसमें चीनी भी होनी चाहिए यार। चीनी है, डाली थी मैंने, नहीं है, कम है। तो घर पे खिचड़ी बनती है ना वो ऐसी बनती है एक्चुअली, मैं थोड़ा कम पकाती हूँ। आज अच्छी पकी है, गली अच्छी है ये, है ना, टेस्टी है।